और बेहतरीन सा नाश्ता किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर फराज। आज 28 जुलाई 2022 दिन है जुमेरात का, खुशगवार दिन है आज भी। लाहौर में बहुत अच्छा मौसम है, हवा चल रही है कल की तरह। और ये देखिए मेरा स्टूडियो आ गया, ये रोड मेरा स्टूडियो है कि मैं यहाँ से ही आपके लिए कुछ बना के भेजने की कोशिश करता रहता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद भी आता होगा। ये रोड वैसे भी ज़रा वाइड है, लाइन और लेन का ज़रा ख्याल रखा जाता है। जब भी ये मैंने स्टूडियो यहाँ ही बना लिया अपना, ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होती यहाँ पे, पहले कंजेशन मिलती है यहाँ पे, बेहतर हो जाए। और आप बताएं, सब खैरियत से हैं? कल आसिम भाई ने तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अपना व्लॉग भी बनाया और हमें अपनी साथ शामिल रखा, लेकिन बस एक छोटा सा गिला है कि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई, मज़े की चीज़ें बनाई, लेकिन नमक तक हमें नहीं खाया। चलो यार भाई, नमक चख के देखो यार कैसा जायका है यार। और उम्मीद है कि वो जल्दी पाकिस्तान आएंगे और सारी चीज़ें हम उनसे ज़रूर बनवाएंगे, फिर पता चलेगा कि उनकी अपनी ये काविश है मुकम्मल या फिर सपोर्टिंग हैंड्स थे उनके साथ ना। चलें, हम भी सीखेंगे उनसे क्या चीज़ें बना रहे हैं। नाश्ता तो खैर वो बहुत मज़े का बनाते हैं, चने बहुत मज़े के बनाते हैं और दीगर चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी बनाते हैं। अल्लाह ताला उनके हाथ में भी जायका दे, ये उनकी फैमिली की तरफ से भी ये दुआ है ताकि वो किचन में हाथ बटाते रहें ऐसे ही। आज हम एक छोटी सी बात करेंगे जो अभी मैंने ऑब्ज़र्व की कि हम बहुत सारी फैमिलीज़ में जब बैठते हैं, दोस्तों में बैठते हैं या अपने सीनियर्स या जूनियर्स के साथ बैठते हैं, तो एक लफ्ज़ अदा करते हैं वी शुड, किसी भी काम के लिए वो खाबित। वैसे तो ये बेहतरी के लिए होगा कि हमें ये तरक्की करनी चाहिए या ये बेहतरी करनी चाहिए, तो वी शुड का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आम है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आई विल का लफ्ज़ क्यों नहीं यूज़ करते हैं? इस बात को ज़रूर सोचिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हम आई विल पे तवज्जो क्यों नहीं देते, ख़ुद की बेहतरी पहले क्यों नहीं करते। चले, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, और अल्लाह का बहुत करम, बहुत फजल और बहुत शुक्र है, और बहुत खैर आफियत से उठ गए। रात बड़ा गहमा गहमी रही, आपने देखा बड़ी पार्टी और घर में तकरीब थी, तो बहुत अच्छा अल्लाह के फजल से हो गया और सब खुश खाश और बड़े खुश आयन तरीके से मामला हो गया। अच्छा, उठा लेट तो ऑब्वियसली आज कोई ज़्यादा काम नहीं है, कहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मौसम बारिश वाला ही है। तो आज 28 तारीख हो गई, मौसम में चेंजिंग आती जाती रहती हैं, तो 20-22 टेम्परेचर रहना है इंशाल्लाह। और उमर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू यार, बहुत अच्छा जा रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत मेहनत है लेकिन बहरहाल मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, आज सिर्फ गाड़ी धुलवानी है और एक दो घर के काम करने, ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, एक साथ छोटी सी बात करेंगे और इंशाल्लाह बहुत ख्याल रखिएगा अपना। मैं फिर जल्दी मुलाकात करेंगे और दुआओं में याद रखें, बहुत प्यार, बहुत दुआएं, मोहब्बतों में और बहुत सारी दुआएं सब के लिए, खुसूसन जो परेशान हैं, बीमार हैं, जो कर्ज़दार हैं, इन सब के लिए ख़ास 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 दुआएँ। अल्लाह आपके सारे मसाइल दूर फरमाएँ, अपने हबीब पाक सदके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अपना करम फरमाए और हम सब के हाल पर रहम फरमाए, खुसूसन पाकिस्तान के हालात पर रहम फरमाए, करम फरमाए, जो वहाँ पर आफात हैं, परेशानियाँ हैं, जो है दूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखेंगे रश, देखना कैसा रश पड़ा हुआ है। असल में क्या है कि क्या नाम, मौसम देख कैसे चेंज हो गया अचानक ही, जब हम निकले अब कितनी बारिश हो रही थी, अभी मौसम हल्की हल्की बारिश ख़त्म और एकदम सेट सुट हो गया, और अभी देखें क्या क्या होता। ये है यूके वेदर प्रॉपर।
अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों भाइयों, क्या हाल आपके खैरियत से। आज क्योंकि बिजली के बिल की आज आखिरी तारीख है इसीलिए याद है, और हम लोग गए इस वक्त खेमाड़ी के ब्रिज के ऊपर, और मौसम कराची का इस वक्त बड़ा रेनी है और बारिश और ये हो रही है, आप देख रहे हो सराउंडिंग। और मैं जा रहा हूँ इस वक्त हॉस्पिटल एक काम से, आँख का कुछ मामला था तो आई डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। और ट्रैफिक सुबह ही सुबह बड़ा शदीद जाम है, चल रहे हैं इंजॉय करते हुए चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे की स्टोरियाँ क्या क्या चल रही है, तो आप आगे की तरफ आएँ, देखें ट्रैफिक कितना है रोड के ऊपर, ये देखें। हम इस वक्त हैं सी व्यू वाली रोड पर, और इधर ये देखें कितना हसीन मौसम है, बारिश हो रही है, और ये आप जैसा कि देख रहे हैं खूबसूरत मौसम है। ये सीधा पे मेरे सारा समंदर है, ये क्या आ गया निशाने पाकिस्तान, अच्छा जी ये निशाने पाकिस्तान है, और इसके पीछे निशाने पाकिस्तान के पीछे समंदर शुरू हो जाता है। ये देखो आप सारा साहिल समंदर का ही है, वो समंदर है ठाटे मारता हुआ समंदर ज़बरदस्त। आज भी आवाम पब्लिक कितनी आई हुई समंदर में, ये भी देखो सब इंजॉय कर रहे हैं भाई। ये देखे बैरियर टावर कैसा उधर बादलों का गुजर हो रहा है, ये देखो बेहतरीन, ये ये देखो ये इस पर वो सीन चेक करे बादल कैसे जा रहे हैं यार, ज़बरदस्त फीलिंग। ये देखे ये चेक करे सीन चेक करे कैसे बादल जा रहे हैं बिल्डिंग के साथ साथ। ये तो कमरों में बारिश हो रही होगी इनके, इस बिल्डिंग के तो कमरों में बारिश हो रही होगी भाई। ये अमेरिकन एम्बेसी आ गई है इस वक्त, मेरा वीज़ा जो है वो बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ है, लेकिन वो की बारिश की वजह से वो कह रहे हैं कि अभी गीला है सूखा नहीं है, वो बाद में आके ले जाना, तो इस वजह से मैं अपना वीज़ा जो है वो बाद में आके लूँगा। लेकिन ये कि ऑल ओवर यहाँ पर अगर आप देख सको इतना ज़बरदस्त मौसम है, बादल ये जा रहे, ये टेंथ है बादल बिल्डिंग के नीचे, वो देखो अगर आपको जूम आउट करके दिखा सके, वो बादल बिल्डिंग के नीचे मतलब बिल्डिंग के साथ साथ टहल रहे, इसका बड़ा ज़बरदस्त व्यू है इधर का अमेरिका एम्बेसी वाली रोड है। और इस वक्त हम इंजॉय कर रहे हैं वेदर को, वो देखिए जो कराची शहर के अंदर बिल्डिंगें बनी हुई हैं बड़ी, ये देखें बिल्कुल दुबई वाला सीन है, बादल कैसे बिल्डिंग के साथ से गुजर रहे हैं, वो सामने अगर आप बिल्कुल देख सकते आपको वाजह तौर पे नज़र आएगा बादल बिल्कुल ये जा रहे हैं नीचे, एकदम नीचे शहर में बादल बारिश को, और ये इस वक्त ग्रीन भी ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है कराची शहर के अंदर राइड करने का। जी आप ये व्यू देखें इस वक्त बिल्डिंग के साथ साथ बादल नीचे तैर रहे हैं, अगर आपको बिल्कुल क्लियर ये पिक्चर नज़र आए तो देखिए ज़रा कितना ज़बरदस्त मंजर है ये। ये हॉस्पिटल है अल्तमस जनरल हॉस्पिटल, बड़ा खूबसूरत सा है, ये वेटिंग पर हैं डॉक्टर, ये डॉक्टर अल्तमस लेज़र आई क्लिनिक क्लिनिक 6 और डॉक्टर आसिफ अली सही ये डॉक्टर है। अस्सलामु अलैकुम,
इवनिंग टाइम तक मैं पहुंच गया हूं और सुबह का नाश्ता किया आधा मैं, और अब मेरा जो है वो आप ये देखें एक खूबसूरत सा चिकन बर्गर। तो अब मैं ये खाने की तरफ जा रहा हूं, हैप्पी एंडिंग की तरफ। तो आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, जिस मूड में मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ आपको शायद अंदाज़ा हो रहा होगा। तो पूरे दिन में थक हार के मैं इधर दिखा नहीं सकता हूँ, मैंने अपने सीट के ऊपर पालथी मार के बैठा हूँ। और इवन ये कि इतना थक गया था कि ऑफिस में मुंह धोने गया तो अचानक नहाने का ख्याल आया तो मैं नहा लिया। तो फीलिंग फ्रेश, और इसके बाद ये गरम गरम फ्राइज आप लोगों के साथ इंजॉय करें। आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया, ऐसा ही है अभी तो फिलहाल। तो बहुत बहुत दुआओं के साथ थैंक यू आसिम भाई सो मच, और थैंक यू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही बोलते हैं ना बस। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा बरकात। और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।